ये है छोटा सा रूम टूर जो कि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कस्बा टावर। ठीक है, कस्बा टावर हम लोग टावर नंबर 2 पे है और यहाँ है हमारा वॉर्डरोब जिसमें कपड़े हैंगर किए, कपड़े नहीं सॉरी अबाया वगैरह हैंगर किए हुए हैं और बाकी के सामान। और यहाँ हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, चीनी शक्कर पत्ती, ये सारे मैंने मैंने नहीं बहन ने मेरी ये सारे पाकिस्तान से लेकर आई है क्योंकि यहाँ यूज्ड हो जाता है, और सब चीज़ें हैं जो खाने पीने की। ठीक है, नीचे चप्पलें रखी हुई हैं और ये है फ्रिज, इसको देखो आयरा ब्या। यहाँ फ्रिज है, फ्रिज में दूध रखा हुआ है, पानी है, पेप्सी है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, जो जो चीज़ ज़रूरत की होती है तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे सारे स्लीपर शूज़ वगैरह हैं और ये देखो यहाँ पर सारे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, जो सेट रखी हुई थी लेकिन रैयान ने उधर बुधरम कर दिया। और यहाँ केटल है, ये केटल जो कि मेरी आंटी लेकर आई थी तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। यहाँ चाय बना के हम लोग खुद पीते हैं, खासकर ज़्यादातर हमारे हाथों की चाय। और यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर की, ठीक है, और ये इस्त्री भी मैं खुद लेकर आई हूँ। और सारा मकान पंचू टूर का ना मसला ही नहीं, अल्लाह इनुशनी नहीं गोना बस से बना रहा ये ट्रेन रैयान अली शिपमा। यहाँ पर रैयान के सामान है और यहाँ पर मेरी हैंड बैग है, ये अच्छी काला है जो कि चश्मे जी दस्ता ही ताकि माँ सो दबे के नहीं टोकर बीबी नहला। और यहाँ एक बेड, दो बेड, तीन और चार बेड, मतलब चार इस तरफ है और एक एक साइड है। यहाँ मेरी बड़ी सिस्टर सो रही है, यहाँ फला और ये रात को मैं दोनों टच करके अपने बच्चों के साथ सोती हूँ, वहाँ पर मेरा भाई बस एरा हाँ सही है आ जाओ। ये है हमारा छोटा सा रूम फॉर 10 डेज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है बाहर का व्यू, साला शोर मक्का। और ये है बाहर का व्यू सारा, ठीक है ना। और बस यहीं पर हम लोग रह रहे हैं, दोनों गए हुए मैं बच्चों के पास हूँ, जब वो लोग यहाँ होते तो मैं चली जाती हूँ, इस तरह से हम लोग ने रखा हुआ है। वो यहाँ पे रैयान जो के विंडो के पास है, शुक्र है कि बंद है, और साला यहाँ पे बैठा हुआ है मस्त है। अभी मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा एक्साइट करूँ और मैं थोड़े ही बहुत सो जाऊँ, लेकिन बच्चे हमें सोने नहीं कहाँ देते हैं। मक्का जा रहे हैं अरम की तरफ, साला हो रहा यार। नहीं 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 वो कुए जम जम उधर से नजदीक है, उधर से नजदीक है ना, हम समझा वो वाला कस्बा है, वो रिया बक्स अज्जत है, इब्राहिम कलीन रोड। हम लोग जा रहे हैं रैयान के लिए स्ट्रॉलर लेने के लिए और यहाँ बस चलते जाओ चलते जाओ, वो वॉकिंग और ये सलाह, साला के लिए कैप लूंगी, रैयान के लिए कैप लूंगी, बस यही। मक्का टावर, मक्का टावर है, बड़ा अहमियत से जागा नहीं रहना जरिया है। मगरब की नमाज पढ़ने आए हैं,
टाइम हो रहा है छः और ये गेट नंबर 79 ओनली एराम एंट्रेंस, सिर्फ एराम वाले अंदर जा सकते हैं अदरवाइज़ नहीं। औरतों का एराम का तो पता नहीं चलता लेकिन मर्द हजरात नहीं जा सकते। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग यहाँ पर अपना नमाज अदा करेंगे फिर अंदर की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे। नमाज ख़त्म हो चुका है, बेटे और रैयान को मोबाइल चाहिए, उसको मोबाइल दूंगी ताकि ये आराम से ज़रा बैठे और मैं थोड़ी बहुत जिसके लिए दुआएं करनी है जाके अंदर करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस नमाज ख़त्म हो चुकी है, हाँ बुजू बुजुबा मोबाइल चल रहा है। और यहाँ हमें मिला है खैवा, और जो आ चुके हैं उनको पता है यहाँ अजान नमाज के बाद खैवा मिलता है। तो यह तवारे और ये रहा आज का डिनर हमारा रैयान, ये रहा फला, और इस गंजे ने जिंदगी अजाब की है फिलहाल। अभी हम लोग आराम से निकल कर जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और ये बच्चों ने मेरा हालत ही ख़राब कर दिया है। जो है कबूतरों के लिए जो बचे हुए रोटी वगैरह है ना उनको सारा पीस पीस करके उनको खिलाएगा। यहाँ नीचे कबूतर है बेचारे, उनको कोई दाना नहीं डालता। और यहाँ देखो रैयान को, रैयान अली इते 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 आन, दोनों गंजों ने हमारी जिंदगी आजाद की है फिलहाल। ये होता है होटल के अंदर हमारे साथ। हाँ चबूजू, अभी हम लोग जो है आधे से आधा काम कर लिया है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, नमाज का, फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। ईशान चाह रहा था अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, निकल चुके हैं। ये है हमारा होटल का लुक, अभी हम लोग निकल गए। यहाँ की खासियत लिफ्ट काली काली, वेट करना नहीं है। हमारे होटल का वॉशरूम और सामने इतने बड़े वॉशरूम है, देख ले इतने बड़े वॉशरूम, वो भी साफ सुथरे। जहाँ प्रेयर रूम है, नमाज की जगह है, और यहाँ कपड़े धोने की जगह है। अभी मैं नमाज पढ़ूंगी क्योंकि हरम बहुत काफ़ी दूर है, तो मैं नमाज़ पढ़ने आई हूँ यहाँ पे। और इस होटल की खासियत यही है कि हर चीज़ का इंतज़ाम है, हर चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कोने वाला जगह मैं उठा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत एसी है, उन्हें और सर्दी लग रही है। अब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगी फिर बात करते हैं। हमारे होटल के नीचे हिस्सा है जहाँ से एंट्रेंस है, और बस
काफ़ी दूर है तो बच्चों के साथ आना जाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं फजर जोहर यहीं पे पढ़ती हूँ, असर मगरिब इशा अरब में, और ये रहा कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह से अब यहाँ कुरान पाक जिसको पढ़ना है वो यहाँ पर बैठ के पढ़ सकता है। ऐसा यहाँ भी अदिया भी दे सकते हैं, रख सकते हैं स्टैम्प लगा के, तो मतलब उठा नहीं सकते रख सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व तौबा इलैह, अल्लाहु अकबर। और यहाँ कुछ लोग बैठी हुई हैं लेडीज़, और वहाँ सामने जेंट्स का नमाज की जगह है, और इस तरफ लेडीज़ का, ठीक है। और यहाँ वॉशरूम है जहाँ कपड़े भी धो सकते हैं और सब कुछ। और इस होटल में ज़्यादातर मिस्री और ईरानी, आई थिंक हम कुछ पाकिस्तानी है, कुछ लोग कुछ लाइक लिमिटेड एक दो फैमिली है। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं। रैया ने एरा मकारा दुशोदा, मैंने और मैंने नमाज अदा करके अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मतलब खाना लेके जाएंगे, ठीक है। हम लोग अभी जा रहे हैं, यही होता है उठ के नमाज के लिए भागो भागो भागो, फिर भागो 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 खाना खाओ, फिर भागो भागो नमाज पढ़ो, यही होता है यहाँ का। कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, लोग सोचते हैं शायद पिकनिक पॉइंट है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह, इसके तीन गेट हैं। मगर रैया ने सलाह वास्ते जुब्बा जुब्बा ही लेना, ये हमेशा मसल्ला वहाँ कर लगे गिता वहाँ। ये है हमारे होटल के बाहर का सीन जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़, बुरका भी ले लो, बाया भी ले लो, लुबान भी ले लो। यहाँ है लुबान का, नंबर वन, नंबर टू, हम नंबर टू पे हैं, नंबर फाइव सिक्स, मतलब मुख्तलिफ इसके टावर्स हैं और मुख्तलिफ वे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है हमारे बाहर का वापसी का रास्ता, मतलब मेन एंट्रेंस जहाँ पे इंटर होते हैं, और अलग अलग यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग टावर्स हैं। हमारा नंबर टू टावर है। अल्लाह, अभी हम लोग जा रहे हैं। अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो यहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप लोग। हम लोग ने ऑनलाइन बुकिंग ही की है। हालांकि गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब मई के हिसाब से जब मैं आई थी जून और मई के टाइम, तो उस हिसाब से अभी का मौसम बिल्कुल ही अच्छा है। हवा चल रही है, क्योंकि बाया से पता चलता है क्योंकि हवा चल रही है। अभी हमारा पता नहीं कौन सा ब्रांच चल रहा वाला, एक अप कहते, मैं वीडियो तो का मैं एक अप पे 15 हमारा वो है, मतलब फ्लोर है। अब हम लोग खाना खाने लेकर आए हैं। अच्छा खाना बैंगन, अच्छी वांगड़ भी हंसते, ये वांगड़ है, कड़ी पकौड़े हैं, बिरयानी है, एक बिरयानी बुजू, दो बिरयानी बुजू, शेष है। उन्होंने अपना खाना ले लिया है, जिसमें इनका रोटी फ्री है। हाँ, एक प्लेट एक्स्ट्रा आपको दे, एक्स्ट्रा प्लेट ले रहे हैं क्योंकि रूम में जाके खाना खा रहे हैं बच्चों के साथ। छुट्टी बेहते में आसानियत, बस कल सिर्फ रास्ते ने हमें तका दिया है, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह एवन ने। इस होटल की मतलब खुद की रिव्यू एवन ने, बस लोकेशन का कुछ ऐसा है, शटल सर्विस बहुत दूर इसको हमें छोड़ देता है, जिसपे चलते चलते पाँव की सत्यानाश हो जाती है, फिर आराम में जाओ, फिर छुड़ते हमें यहाँ से वहाँ घुमाते हैं। मैं भाई इन कबूतरों के लिए जो है ना टुकड़े कर रहा था रोटी, तो इनके लिए, इनको बेचारे कोई भी नहीं देता ना दाना वगैरह, सब यहाँ पर जमा है। मक्का आरा में नज़दीक वाला से ही रहा ये बस कुछ ना का, इस तरह के बाइक चलते हैं यहाँ पे,
नेक्स्ट टाइम आएंगे हम यहाँ से परचेज करेंगे, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है पापा। ये दो सिक्योरिटी गार्ड को देखो, ये जैसे यहाँ के पुलिस और शुरता है सिक्योरिटी को पता नहीं कुत्तों का जबान साथ है, कतर 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 बात करते हैं। ये रहा हमारा रूम, हम लोग जा रहे हैं। सबर सबर, यहाँ से ये रहा सबर पैदा को अलमान मक्का में पैदा को नया रस वाला है, हम यहाँ पीने आए। पांच रियाल सब अस्सी रियाल पैसा सही रियाल या कि पांच रियाल कोल्ला सिक्का नहीं अला सिक्के का वसनाया। ये टिकटॉक में आदमी बहुत मशहूर है और आज फाइनली मुझे मिल गया सामने असीना मुर्दाबाद। मुर्दाबाद जाओ करश देख लो माशाल्लाह। और यहाँ पे बैठे हुए नीचे दुपट्टा भेज रहे हैं। गई थी वजू करने और अपने भाई को बच्चों के साथ यहाँ बिठा के चली गई। हाँ अम्मा इच्छी थी क्रोशता था यान। तीन पे नमाज के लिए दो रकात के लिए इतने रश है, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी तो मैं लक लाइन में खड़े हैं, मगर यहाँ लाइन जा रही है। अल्लाह करे हमारा लक टूटे। अल्लाह हू अकबर है अल्लाह नसीब की बात है। लाइन पे तो लगी हूँ अतीम में नमाज हो। ये हम लोग ने बकाला से इतने सारी चीज़ें ली है, अंगा सी टॉय गिरा कुट्टू बाकलिक। अभी हम लोग जा रहे रूम पे सारा कुछ कंप्लीट करके, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला कि अपने अम्मी अतीम में नमाज गिलाफ़ खावा में बहुत रो रो के दुआएं करना। अल्लाह ने ये मौका नसीब किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह किसी के नसीब में करे। और मैं बस अभी रूम की तरफ जा रही हूँ, रात बहुत हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सलाके, और इस होटल में लिफ्ट का बड़ा ज़बरदस्त मसला है, मतलब जितने आप जिस जो भी फ्लोर पे हो उसी फ्लोर के हिसाब से आप अपना लिफ्ट चूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारा लिफ्ट है 1, 2, 3, 4, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अम्मा पैदा किया नंबर 5 टू चॉकलेट चिकरे वाला वाला चॉकलेट जोड़ता 1-1 भी कम ना हो आया जोड़ता ऐसा जोड़ता अल्लाह मा कुर्बान। अरे यार पादा जो लोग बोलते हैं इसके शूज बड़े हैं ना, ये इसीलिए मैंने बड़े रखे ताकि वॉक करने में इजी रहे। ये बिल्कुल लाइट वेट है। हाउ फिटर से लिए हुए मैंने। ये हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। अरे जी पिशी बा खत्म नवी, बच्चों को ना पैंपर पहनाना सिखा दो क्योंकि इनकी पिशी खत्म नहीं होती है।
लेकिन अलंदर साला चू तंग नाका मारा। ये दरवाजा बंद है क्योंकि भाई अंदर है। धमबुरती भा